Okay students, we have started our topic vector algebra. Vector algebra में हमने vector क्या होते हैं वो देखा है, vector के types देखा है. We have covered the topic direction cosines and direction ratios and finally हम free form of vectors के ऊपर रुके थे. Now, moving forward in the chapter, vectors को हम add कर सकते हैं, vectors को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. वेक्टर्स में डिवीजन हम नहीं कर सकते. सो अगर हम वेक्टर के अंदर ऑपरेशंस की बात करें तो वेक्टर्स को हम एडिशन कर सकते हैं, वेक्टर्स का हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं और वेक्टर्स का हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं. राइट, नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं दैट टू ऑफ ए वेक्टर, देन इट कैन बी कैरिड आउट बाय टू वेज, बाय यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. एंड सेकेंडली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. राइट, जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम हमेशा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकते हैं. एंड फॉर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स वी हैव टू मेथड्स. वन, वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज योर क्रॉस प्रोडक्ट. राइट, सो वेक्टर्स के केस में हम सिर्फ तीन ही ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे. राइट, ओके, आइए डिटेल में देखते हैं एक एक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है और आगे हम और कुछ कंसेप्ट्स कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं. राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे. नाउ मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है, से वेक्टर ए, राइट, ए वेक्टर, एंड अगेन आई हैव अ वेक्टर से कुछ ऐसा ले लेंगे, चलेगा, हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द वेक्टर इज बी वेक्टर. राइट, सो आई हैव ए वेक्टर, आई हैव वी बी वेक्टर एंड अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है तो ऑब्वियसली मुझे ये बात तो मालूम है कि वेक्टर्स आर फ्री, free to be displaced without changing their directions and magnitude. Right na? अगर मैं उनका direction और magnitude ना change करूँ तो उस vector को मैं किसी भी point पे displace कर सकता हूँ. It can be displaced parallelly without changing their directions as well as magnitude. तो क्या उस case में मैं B vector को उठा करके ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रख दूं, मतलब कि बी वेक्टर को डिस्प्लेस कर रहा हूं कुछ ऐसे. राइट, सो बी वेक्टर कम्स समवेयर हियर. नाउ इन दैट केस अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नथिंग बट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन दैट केस जो थर्ड साइड होगी दैट थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स और रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, बट
to be taken in reverse order, right? So जो थर्ड साइड और क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट इट्स डायरेक्शन विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, राइट ना? अगर मैं ए वेक्टर के डायरेक्शन की बात करूं तो ट्राइंगल का कुछ इस तरफ डायरेक्शन है, ट्राइंगल का सेकंड साइड दैट इज बी वेक्टर इस तरफ, और सेम ऑर्डर में अगर मैं ट्राइंगल का थर्ड साइड कंसिडर करता तो वो तो इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन रिवर्स ऑर्डर, ऑर्डर अगर मैंने रिवर्स की तो जो ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड होगा दैट क्लोजिंग साइड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, राइट? सो दिस इज नथिंग बट योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीधा सीधा कहता है कि द टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, okay, so the triangle law of addition states that if two vectors can be represented by the two sides of a triangle taken in order, then their addition or their resultant is represented by the third side taken in reverse order, taken in opposite order, right? Now a vector and b vector are representing two sides of a triangle, they are in order, right? Now they are in order. जो initial point, terminal point of a vector, terminal point a vector के ऊपर ही b vector का initial point है, तो इसका मतलब वो एक ही order में है, right? Now same order में है. और अगर ऐसा होता है कि ये दो vectors triangle का, triangle के दो sides को represent करते हैं, तो जो closing side होगी, मतलब कि ये side, that represents their sum. Sum is nothing but their resultant. लेकिन जो sum होगा that will be in reverse order, right ना? अगर मैं कहता था कि same order, इसका मतलब B vector का जो terminal point है वही A plus B vector का initial point होता था, तभी मैं कहता था कि all the sides are of a triangle are in same order. लेकिन जो B का terminal point है वही point A plus B का भी terminal point है, इसका मतलब the third side is in reverse order of remaining two sides. So triangle law of addition states that when the two sides are representing the when two vectors are representing two sides of a triangle, then the third, that is the closing side, will represent the sum of the two sides of the triangle, right na? Okay, ये वेक्टर तो हमने क्रिएट किया था बी वेक्टर को यहां से शिफ्ट करके, राइट ना? हमने कहा था कि बी वेक्टर इज अ फ्री फॉर्म ऑफ वेक्टर और हमने बी वेक्टर को शिफ्ट किया था यहां पर, राइट? अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर को शिफ्ट करूं, फ्री तो ए वेक्टर भी है, ईच वेक्टर इज अ फ्री फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो ए वेक्टर को भी तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, राइट ना? अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब कि ए वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे लेकर आता हूं, और उस केस में मुझे जो ए वेक्टर है वो कुछ ऐसा मिलेगा, राइट ना? ए वेक्टर को हमने डिस्प्लेस कर दिया, राइट? नाउ बी वेक्टर, ए वेक्टर, और ऑब्वियसली ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है उसको अगर मैं ऐसा थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ए ट्रायंगल कंसीडर करूं, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर विल बी, बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड बट इट्स डायरेक्शन विल बी इन रिवर्स ऑर्डर. बी वेक्टर ए वेक्टर मतलब कि सेम ऑर्डर, बी प्लस ए वेक्टर इधर आना चाहिए था, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट ना? सो दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स, राइट? ओके, नाउ हमारे पास तो इनिशियली जो ए वेक्टर था वो कुछ हमने यहां कंसीडर किया था कि दिस इज योर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट? नाउ यही लॉ अगर हम ऐसे कर दें कि बी वेक्टर यहां है, बी वेक्टर को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, दैट इज B vector, A vector plus of B vector, the third closing side will represent their resultant, that is A vector plus of B vector, but its order will be in reverse direction, right? So the closing side will represent A plus B vector, right?
आइए डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर हम कंसीडर करें कि इनिशियली हमने इस पॉइंट से, इसे अगर नाम दे दें कि पॉइंट ए, तो ए बी वेक्टर पहले इस डायरेक्शन में एक बॉडी मूव हो रही है इनिशियली फ्रॉम ए टू बी, बी टू से पॉइंट इसे सी नाम दे देंगे, और फिर सी टू, अगर सेम ऑर्डर ले लूं मैं सी टू ए, तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ बी सी वेक्टर प्लस ऑफ सी से यहां आए और हमने अगर सेम ऑर्डर रखा तो सी ए वेक्टर, राइट ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ऑफ सी ए वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर प्लस ऑफ बी सी वेक्टर, क्या हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ये तो ए सी वेक्टर होना चाहिए था, राइट। ए सी वेक्टर प्लस ऑफ सी ए वेक्टर, क्या मैं सी ए वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए सी वेक्टर, सिंस ए सी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर, इन दैट केस ए सी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो, राइट ना। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने ऑर्डर सेम रखा तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हो रही है, इनिशियली पॉइंट ने मूव करना ए पॉइंट से चालू किया था, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से फिर ए पर आया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन वही अगर ए सी मैं ऑर्डर इस डायरेक्शन में लेता हूं तो ऑब्वियसली मुझे ए प्लस बी ही मिलना चाहिए, राइट ना, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट ए सी, सो दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, राइट। नाउ अगर मैं कहूं कि बी वेक्टर जो हमने यहां शिफ्ट किया था, इनिशियली हमारे पास ए वेक्टर था कुछ इस तरह, हमने बी वेक्टर शिफ्ट किया यहां बी वेक्टर, तो ऑब्वियसली जो क्लोजिंग साइड था दैट क्लोजिंग साइड वॉज ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। नाउ अगर मैं कहूं कि जो बी वेक्टर है दैट बी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड न चेंज करते हुए सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता हूं, राइट ना, जो बी वेक्टर है उस बी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर कुछ यहां आ जाएगा बी वेक्टर, एंड सिंस उसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट। नाउ यहां ध्यान दीजिए, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे है, राइट right? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, दैट मीन्स द थर्ड साइड एंड इन रिवर्स ऑर्डर, माइनस बी वेक्टर का ऑर्डर डायरेक्शन कुछ इस तरफ था, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर शुड गिव मी एडिशन ऑफ बोथ दिस वेक्टर्स, राइट ना, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट ना। सो ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, अगर मैं वेक्टर्स के डायरेक्शन को रिवर्स ऑर्डर में ले लेता हूं तो मैं वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं बाय द सेम लॉ, सो दैट इज योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सेकेंड लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, राइट। अगर मैं कहूँ, लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स अगर दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट ना, एडजेसेंट साइड मतलब जो एक के पास एक है, राइट ना, दीज एंड दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट, या फिर ये और ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ये और ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये एडजेसेंट साइड है, अगर दो वेक्टर्स दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हो तो
जो उनका डायगोनल होगा वो डायगोनल हमेशा उनके रिजल्टेंट को रिप्लेस रिप्रेजेंट करेगा, और वो डायगोनल हमेशा उनके कॉमन पॉइंट से पास होगा, राइट ना। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि दोनों वेक्टर्स एक ये एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये वाला एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट में से पास होने वाला जो डायगोनल है वो डायगोनल दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, मतलब कि सम होगा, मतलब कि एडिशन होगा, राइट। सो दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है से ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, और हमें यह भी मालूम है कि ऑल ईच टाइप ऑफ वेक्टर इज अ फ्री फॉर्म ऑफ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड एट एनी पॉइंट पैरेलली। डिस्प्लेसमेंट करते हुए सिर्फ हम पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। तो अगर मैं बी वेक्टर को यहां से उठाकर यहां रख दूं, तो ऑब्वियसली मुझे बी वेक्टर कुछ यहां मिलेगा, बी वेक्टर। क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट ना। और वो पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स, अगर मैं इतना समझ पा रहा हूं कि ए वेक्टर को अगर मैं उठा करके यहां रख सकूं तो ए वेक्टर कुछ यहां आ जाएगा, राइट। और फिर से बी वेक्टर को अगर उठाकर यहां रख दूं तो बी वेक्टर कुछ यहां आ जाएगा, राइट। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस इनका जो डायगोनल होगा, डायगोनल तो दो रहेंगे, एक ये वेक्टर डायगोनल रहेगा और एक ये डायगोनल रहेगा, लेकिन वो डायगोनल जो उनके कॉमन पॉइंट में से पास होगा, मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉमन पॉइंट यही है, और इन दोनों में से पास होने वाला जो डायगोनल है वो तो यही डायगोनल होगा। ये जो डायगोनल होगा दैट रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट, मतलब कि यही वेक्टर होगा उनका सम, ए प्लस बी वेक्टर, राइट ना। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, राइट। नाउ इस बात को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर बी वेक्टर को मैंने यहां से उठाकर यहां रख दिया तो ऑब्वियसली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये सेम ऑर्डर में रहते, तो ऑब्वियसली जो क्लोजिंग साइड, यहां तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है, जो क्लोजिंग साइड होगा वो तो ए प्लस बी वेक्टर ही होगा, राइट ना। और अगर मैं ए वेक्टर को उठा करके बी वेक्टर के इस पॉइंट पे रख दूं तो ऑब्वियसली बी वेक्टर और ए वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो जो उनका क्लोजिंग साइड होगा दैट विल बी देयर रिजल्टेंट। यहां भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही लग रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, राइट। सो वी हैव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि नहीं, जो बी वेक्टर है उस बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं, राइट ना। बी वेक्टर जो है उस बी वेक्टर का डायरेक्शन मैं अपोजिट कर देता हूं, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट। जो बी वेक्टर, फ्री फॉर्म ऑफ बी वेक्टर हमने उठा के यहां रखा था, उसका सिर्फ हम डायरेक्शन उल्टा कर दे रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं। और अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहे हैं तो कैन आई से दैट माइनस ऑफ बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, राइट। इन दैट केस क्या मैं कह सकता हूं कि माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड ओके यहां कर देते हैं, जो बी वेक्टर है इस बी वेक्टर को भी हम अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आ जाएंगे, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी माइनस ऑफ बी वेक्टर है, राइट। और ए वेक्टर को, अगर ए वेक्टर को हम यहां रखते हैं तो ए वेक्टर को यहां पर भी रख सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी योर ए वेक्टर, राइट, फ्री फॉर्म ऑफ वेक्टर।
अगर मैं कंसिडर करूं कि ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग साइड, ये जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, दैट मीन्स देयर क्लोजिंग साइड विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट ना, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। और इस ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं यहां, तो क्या मुझे यही मिलेगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट। सो कैन आई से दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन गिव्स मी बोथ रिजल्ट्स, राइट ना। एक क्या कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन दैट केस से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इन दैट केस द डायगोनल फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, देयर एडिशन, दैट इज ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, एंड द रिमेनिंग डायगोनल, ये जो बचा हुआ डायगोनल है, वो बचा हुआ डायगोनल विल रिप्रेजेंट देयर सब्ट्रैक्शन, दैट इज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट ना। मतलब कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें एक ही डायग्राम में एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी देगा और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी देगा। सो दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर बी वेक्टर है। व्हेन आई से दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू बी एडेड, मतलब कि मैं बी वेक्टर को कुछ शिफ्ट करूंगा, से सपोज हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो देयर रिजल्टेंट इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बी वेक्टर को शिफ्ट न करते हुए बी वेक्टर को मैं यहीं रहने देता हूं और ए वेक्टर को शिफ्ट करता हूं, यहां लेकर के आ जाता हूं, सो बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो भी तो मुझे यही रिजल्टेंट मिलेगा, राइट ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेक्टर एडिशन इज कमुटेटिव, राइट। या तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, राइट ना। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इज दैट वेक्टर एडिशन इज कमुटेटिव, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर इक्वल, राइट। सो लेट अस मूव फॉर द सेकेंड लॉ। इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, से ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और अगर हमें तीनों वेक्टर्स का सम करना है, तो मैं ए प्लस बी वेक्टर पहले करूं और फिर सी वेक्टर के साथ ऐड करूं, या फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर करूं और उसके बाद ए वेक्टर के साथ ऐड करूं, तो दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, दैट मीन्स वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट। सो वेक्टर एडिशन इज कमुटेटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। नाउ अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और उस वेक्टर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा वेक्टर चेंज ना हो, राइट ना, वो वेक्टर अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, वो वेक्टर वैसे का वैसे ही रहे, राइट ना। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, तो व्हाट शुड बी एडेड इन दिस वेक्टर सो दैट द वेक्टर डज नॉट चेंज एट ऑल, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, राइट ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर में अगर मैं
एक जीरो वेक्टर ऐड करता हूं तो ऑब्वियसली वो वेक्टर कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट ना। दिस लॉ इज टर्म्ड एज आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। नाउ अगर मैं फिर कहूं कि एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, और उस वेक्टर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे नल वेक्टर मिले या फिर जीरो वेक्टर मिले, राइट ना। मेरे पास ए वेक्टर है और उस वेक्टर में व्हाट शुड बी एडेड सच दैट मेरे पास रिजल्टेंट ये एक जीरो वेक्टर मिले। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर में अगर मैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऐड करूं तो मुझे जीरो वेक्टर मिलेगा या फिर नल वेक्टर मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। राइट, सो वी हैव फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट इज एडिट एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स identity, right? okay now let us move forward for multiplication of a vector by a scalar। किसी vector को हम एक scalar, scalar is nothing but a number, एक number से अगर हम multiply करते हैं, right? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक vector है say a vector having some magnitude and a direction, अब इस वेक्टर को ए वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 2 टाइम्स ए वेक्टर होगा, राइट ना। 2 टाइम्स ए वेक्टर मतलब कितना, ए वेक्टर का ट्वाइस, ए वेक्टर का ट्वाइस, लेकिन हम तो सिर्फ एक स्केलर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कर रहे हैं, मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जो नया वेक्टर मिलेगा दैट वेक्टर विल बी ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, राइट ना। सो वी विल हैव 2 टाइम्स ए वेक्टर, ए वेक्टर को हमने एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 टाइम्स ए वेक्टर मिला। चेंज तो हमने डायरेक्शन तो चेंज किया ही नहीं, राइट ना। अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 से तो ऑब्वियसली मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा 1/2 टाइम्स ए वेक्टर। क्या किया हमने, ए वेक्टर का हाफ, हाफ ऑफ ए वेक्टर, हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ इज नथिंग बट अ स्केलर, 2 इज नथिंग बट अ स्केलर। ए वेक्टर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे 3 टाइम्स ए वेक्टर मिलेगा, राइट। सो वी विल हैव 3 टाइम्स ए वेक्टर। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं ए वेक्टर को माइनस ऑफ 2 इज नथिंग बट अ स्केलर, माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे 2 टाइम्स ए मिलेगा, और माइनस मतलब कि उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट मिल जाएगा, मतलब कि मुझे एक वेक्टर मिलेगा इक्वल टू, वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए, लेकिन सिंस हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए। या फिर मैं कहूं कि मैं सिर्फ माइनस ऑफ हाफ से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि द स्केलर इज माइनस ऑफ हाफ विथ ए वेक्टर, तो ऑब्वियसली मुझे माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए वेक्टर मिलेगा और ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। सो किसी भी वेक्टर को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो स्केलर जो वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा या फिर उसकी लेंथ कुछ टाइम्स स्केलर टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज होगी, राइट ना। उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट नेचर का होगा, वेक्टर्स हमेशा पैरेलल ही रहेंगे जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब, राइट। सो वी कैन मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विथ अ स्केलर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट। दैट इज वेक्टर इन अ
कंपोनेंट फॉर्म। और इस बात को समझने के लिए आइए हम यूज करते हैं थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट। नाउ अ वेक्टर इन प्योरली एक्स एक्सिस, ऑन प्योरली एक्स डायरेक्शन, और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब कि वन कंपोनेंट, वन वेक्टर होगा, राइट ना। अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर है और वो वेक्टर पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में ही मूव हुआ है, मतलब कि वेक्टर जिसका पूरा का पूरा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और उसका पूरा मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कुछ तो लेंथ होगी, कुछ स्केलर टर्म एक्स होगा, लेकिन अगर उसका एक्स डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट दिखाना है तो एक यूनिट विल बी टर्म्ड एज आई कैप, राइट। तो अब से मैं ध्यान में रखूंगा कि आई कैप इज अ नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर। जब मुझे यूनिट वेक्टर मतलब कि वन वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन में दिखाना है तो आई विल से इट इज इक्वल टू आई कैप, राइट ना। आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप, दैट इज फोर आई कैप। फोर आई इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली वन यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, राइट ना। जे कैप प्लस ऑफ जे कैप, दैट इज थ्री जे कैप प्लस ऑफ जे कैप फोर जे कैप प्लस ऑफ जे कैप फाइव जे कैप, दैट मीन्स फाइव जे कैप इन y डायरेक्शन। 5j कैप, जब मैं लिख रहा हूं 5j कैप, इट मीन्स 5 यूनिट्स इन y डायरेक्शन। जब मैं लिख रहा हूं 7i कैप, दैट मीन्स 7 यूनिट्स इन x डायरेक्शन। i कैप रिप्रेजेंट्स x डायरेक्शन, j कैप रिप्रेजेंट्स y डायरेक्शन। सिमिलरली 1 यूनिट इन z डायरेक्शन is represented by k cap. So k cap represents z direction. जब मैं लिखता हूँ 7k cap, that means it is a vector of 7 units in z direction. Right? तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास unit vectors in x direction है, unit vector in y direction है और unit vector in z डायरेक्शन है। i कैप विल रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, j कैप विल रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन एंड k कैप विल रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं इस बात को हम एक स्पेसिफिक वेक्टर के लिए, राइट, पोजिशन वेक्टर के लिए हम इन कंपोनेंट्स को कैसे यूज करके उस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है, से पॉइंट को नाम दे देंगे हम अगेन पॉइंट पी, चलेगा। सो देर इज अ पॉइंट पी, यहां थोड़ा सा दूर ले लेंगे, चलेगा, से पॉइंट पी हियर, राइट। उस पॉइंट पी का ऑब्वियसली अगर मैं पी पॉइंट को ओरिजिन ओ के साथ जोड़ दूं तो ओ पी वेक्टर ये ही पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। नाउ आइए क्यूब फॉर्म कर लेते हैं, राइट। अगर मैं कहूं कि देयर इज सम पॉइंट पी ऑन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट पी होंगे उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड, और जो वेक्टर ओ पी होगा, वेक्टर ओ पी विल बी द पोजिशन वेक्टर, राइट ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ओ पी इज पोजिशन वेक्टर, राइट। नाउ
क्या मैं कह सकता हूं कि दिस कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ये जो पॉइंट है इसे कुछ नाम दे देंगे हम, से पॉइंट ए, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे पॉइंट बी, पी, ओके लेट इट बी। नाउ यहां ध्यान दीजिए, क्या मैं कह सकता हूं कि सिंस ओ ए, राइट ना, अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि ओ ए ये कोई एक वेक्टर होगा जो एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ है, तो क्या मैं इसे इस डायरेक्शन में डिनोट कर दूं, चलेगा। एंड ओ पी मे बी इक्वल टू सम यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, और वो सम यूनिट्स मतलब कि एक्स टाइम्स आई कैप होगा, राइट ना। सो ओ ए इज नथिंग बट एक्स आई कैप। सिमिलरली अगर मैं ए बी कहूँ तो ए बी इक्वल टू जो क्यूब का पीछे का फेस है फ्रॉम ओ टू, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ पॉइंट सी, तो ओ सी के इक्वल होगा, राइट ना। ए बी विल बी इक्वल टू ओ सी, और वो ओ सी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वाई टाइम्स जे कैप, राइट ना। सिंस हमें उसका पूरा यूनिट, उसके क्यूब का पूरा फेस का लेंथ, ये ए बी लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वाई टाइम्स जे कैप, राइट ना। दैट मीन्स वाई टाइम्स इन वाई डायरेक्शन। एंड सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूँ बी से पी तक, मतलब कि इस प्लेन से, ग्राउंड प्लेन से टॉप फेस तक का जो भी वाई डायरेक्शन में जो हाइट ऑफ द क्यूब है दैट इज इक्वल टू फ्रॉम ओ टू, और इस पॉइंट को अगर मैं बी सी पॉइंट डी नाम दे दूं, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड के कैप, राइट। सो एक्स आई वाई जे एंड जेड के कैप। नाउ यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि ओ ए एंड फिर ए बी, राइट ना, अगर मैं पॉइंट पी को कंसीडर करूं तो पी तक पहुंचने के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे रहेंगे, पहले मैं ओ ए मूव करूंगा, फिर ए बी मूव करूंगा, और उसके बाद फिर बी से पी तक मूव करूंगा, राइट ना। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए इज अ वेक्टर, ए बी इज अ वेक्टर एंड बी पी इज अ वेक्टर, राइट। तभी तो मुझे कुछ आर वेक्टर या फिर पॉइंट पी तक पहुंच पाऊंगा मैं, राइट। नाउ अगर मैं ओ और बी को ज्वाइन करता हूं, राइट ना, ओ और बी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए एंड ए बी आर टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट ना। ओ ए एंड ए बी आर टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, दैट मीन्स जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा, मतलब कि क्लोजिंग साइड ओ बी विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर ओ ए प्लस ऑफ ए बी वेक्टर, राइट ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए वेक्टर प्लस ऑफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, राइट ना, ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, क्यों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। नाउ ओ ए वेक्टर को मैं कह सकता हूं इट इज नथिंग बट एक्स टाइम्स आई कैप प्लस ऑफ ए बी वेक्टर। नाउ ए बी और ओ सी इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू वाई टाइम्स जे कैप, दैट इज वाई टाइम्स जे कैप, एंड इट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज योर ओ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगेन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं यहां लगाता हूं, ओ बी वेक्टर जो हमें मिल चुका है, ओ बी वेक्टर एंड बी पी वेक्टर, राइट ना, ओ बी वेक्टर एंड बी पी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ओ पी वेक्टर जो होगा दैट विल बी सम ऑफ ओ बी वेक्टर एंड बी पी वेक्टर, राइट। तो कैन आई से दैट ओ बी वेक्टर प्लस ऑफ बी पी वेक्टर विल बी इक्वल टू
O P vector, right? Now O B vector plus of B P vector will be equal to O P vector, and again हमने क्या किया, triangle law of वेक्टर एडिशन लगाया, ओ बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उस ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज हमारा पोजीशन वेक्टर ही है, तो ओ बी वेक्टर, अब हमने ओ बी वेक्टर तो ऊपर के इक्वेशन में फाइंड आउट किया है, विच इज इक्वल टू एक्स टाइम्स आई कैप प्लस ऑफ वाई टाइम्स जे कैप प्लस ऑफ बी पी वेक्टर, बी P वेक्टर, नाउ B P वेक्टर, क्या हम कह सकते हैं कि B P लेंथ इज इक्वल टू O D, राइट ना, B P तो क्यूब का आगे का फेस है और पीछे का फेस जितनी हाइट होगी उतनी ही B P की होगी, और O P O D तो हमें मालूम है इक्वल टू Z K कैप है, Z K कैप एंड इट इज इक्वल टू O P वेक्टर, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनली ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, ओ पी वेक्टर इज नथिंग बट योर पोजिशन वेक्टर, सो ओ पी वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, एंड एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। सो अब हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड थे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के कैप, दैट इज दिस इज ओपी वेक्टर एंड ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, राइट। अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूं ए वेक्टर तो उसके तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन, ए वेक्टर जो हमने इसके पहले एडिशन में यूज किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर वाज इक्वल टू, एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि 5 आई कैप प्लस ऑफ 7 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप, मतलब कि कोई भी वेक्टर मैं इन तीन कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब कि द वेक्टर हैज ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल हमारे पास बी वेक्टर है हैविंग सम वैल्यूज 3 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप, so any form of vector has three components, that is I, J and K caps, that is in X, Y and Z direction, where all these numbers, that is X, Y and Z are the scalar components and along with their direction it will be termed as vector component. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट ना। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, राइट। और अगर मैं कंसीडर करता हूं ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी एंड यूटिलाइजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या मैं कह सकता हूं कि ओ बी इज योर हाइपोटेनस, दैट मीन्स ओ बी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर
will be equal to, right, OB square will be equal to OA square plus of AB ka square, right, will be equal to, can I say that magnitude of OB square will be equal to XI ka square, that means X ka square, since it is only representing the direction, I cap is only showing its direction. So X square plus of AB, AB is nothing but your Y J cap, right? So equal to Y square, since J square is representing, J is representing only its direction. So can I say that OB square will be equal to X square plus of Y square. Now moving forward, can I say that again, अगर हम triangle use करते हैं, triangle OBP, right ना, triangle OBP, तो यहाँ थोड़ा सा visualize करने की ज़रूरत है कि OB ये नीचे वाले face पे जो base है, base का diagonal है, और BP ये यहाँ से base से vertically ऊपर उठा हुआ है, मतलब कि OB and BP are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other. In that case, in triangle OBP, can I say that OB square plus of the second face, that is BP square, will be equal to OP ka square, right? OP ka square, and OP is nothing but your vector, right? In sabko vector consider karo, OB, right? Now OB ka square to humne find out kiya hai, X square plus of Y square plus of BP ka square, BP is nothing but, can I say it is equal to Z ka square, right? Now since K cap is representing its direction in Z, so can I say that OP ka square, OP ka square matlab ki R square, R is your position vector, OP तो position vector है, position vector को हम R vector भी लिखते हैं, या फिर simply R लिख देते हैं, तो can I say that R का square, या फिर जो R vector है, that is equal to under root of X square plus of Y square plus of Z का square, right? तो can I say that magnitude, राइट ना, जो आर स्क्वायर है, जो आर है वो कुछ नहीं तो ओपी वेक्टर है, ओपी इज नथिंग बट योर पोजीशन वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दिस रिलेशन, राइट ना. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर हैविंग इट्स इन कंपोनेंट फॉर्म 3i cap plus of 4j cap plus of 7k cap, in that case therefore magnitude of A vector will be equal to under root of its scalar components ke square ka sum, matlab ki 3 ka square plus of 4 ka square plus of 7 ka square will be equal to under root of, kitna ho jayega ye, 3 ka square 9 plus of 4 ka square 16 plus of 7 ka square 49 plus 9 58 68 78 74, right na, under root of 74. So magnitude of A vector is under root of 74, राइट ना. सो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि इस पोजीशन वेक्टर का, जिसका पोजीशन वेक्टर OP क्या है, एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर, राइट. सो वी हैव कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब इस कंसेप्ट को अगर मैं यूज करता हूं फॉर एडिंग टू वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे होगा वो समझते हैं. अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर हैविंग सम कंपोनेंट्स
3i plus of 4j plus of 5k and b vector equals to 2i plus of 3j plus of 4k. In that case, a vector plus of b vector will be equal to a vector plus b vector will be equal to unke corresponding scalar components ka addition hoga. Matlab ki a vector plus of b vector will be equal to 3 plus 2, that is 5 I cap, plus of 4 plus 3, 7 j cap, plus of 5 plus 4, 9 k cap. या फिर अगर मैं कहूं कि मुझे a minus of b vector दो, तो a minus of b vector is equal to again corresponding scalar components का subtraction. मतलब कि a minus b vector जब मैं कर रहा हूं, तो x direction का scalar component minus x direction का scalar component, a minus of b, a minus b, तो 3 minus 2 will be 1 I cap, plus of 4 minus 3, that is 1 j cap, plus of 5 minus 4, that is again 1 k cap, right? So can I say that if I have a vector, a vector equals to a1 I cap plus of b1 j cap plus of c1 k cap, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है b वेक्टर which is equal to a2 I cap plus of b2 j cap plus of c2 k cap. In that case, a वेक्टर plus of b वेक्टर will be equal to a1 plus a2 I cap plus of b1 b2 j cap plus of c1 c2 k cap. या फिर a minus of b vector will be equal to a1 minus of a2 I cap plus of b1 minus of b2 ka j cap plus of c1 minus of c2 k cap. या फिर अगर मैं कहूं कि नहीं, मुझे b minus of a vector चाहिए, तो of course b vector minus of a vector will be equal to a2 minus of a1 I cap plus of b2 minus of b1 j cap plus of c2 minus of c1 k cap. So vector addition, vector subtraction हम कुछ इस तरह से करेंगे, right? या फिर अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर्स के इक्वालिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, right? If two vectors are to be equal, अगर मैं कहूं कि मेरे पास a वेक्टर है और b वेक्टर है, तो a वेक्टर and b वेक्टर to be equal, उनके स्केलर कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल, दैट इज a1 शुड बी इक्वल टू a2, b1 शुड बी इक्वल टू b2, c1 शुड बी इक्वल टू c2, राइट ना? अगर a वेक्टर हमारे पास 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ 5k कैप है, और हमारे पास b वेक्टर भी 3i कैप plus of 4j cap plus of 5k cap है, और हमारे पास और एक वेक्टर है c वेक्टर which is equal to 3i cap plus of say 3j cap minus of 2k cap. In that case हम कह सकते हैं कि a वेक्टर is equal to b वेक्टर, but a वेक्टर is not equal to c वेक्टर, या फिर b वेक्टर is not equal to c वेक्टर. For the vectors to be equal, their scalar components must be equal, right ना? दो वेक्टर्स को हम equal तभी कह सकते हैं कि अगर उनके scalar components equal हो तो, right?
So we will stop here and see the further concepts in the coming lectures. Thank you.